तो हे अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग क्यों अपडेट नहीं दे रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं भी बातें होंगी और बहुत सारी बातें मैं करूंगा आज के ब्लॉग में, जो आपको पूरा वीडियो देखना है। तो अभी मैं आपको बता दूं, अभी टाइम हो चुका है जुम्मा का, अभी मेरे को जाना है, नहाना है, फिर जुम्मा पढ़ना है, फिर आपसे मिलता हूँ जुम्मा की नमाज के बाद में। तो जुम्मा हो चुका है ख़त्म, तो आप सबको बता दूं, ये रमज़ान का पहला जुम्मा था और आप सबको रमज़ान का पहला जुम्मा बहुत मुबारक। और यहाँ पे इतने ज़ोर से बारिश हुआ है कि आप बोलो ही मत, आपको दिखाता हूँ कैसे हुआ है। सब खत्म हुई है। हम लोग एक वीडियो प्लान कर रहे हैं, वो जल्द ही आपको देखने मिलेगा इंशाल्लाह, उसके ऊपर काम हो रहा है। और दूसरी चीज, और ये चीज मैं सोच रहा था कि मेरे पिछले सारे वीडियो में मैं बताऊं, पर याद नहीं रहता था कि मैं बता पाऊं। जिस वीडियो का हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं मैं और सुफियान, तो आपको वो वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाके नीचे में लाल कलर का बटन होगा उस पर क्लिक करिए, और साइड में बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक करिए, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में सुफियान का भी चैनल का मैंने लिंक डाल दिया है, आप उसमें उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं। और जो ओरिजिनल वीडियो होगा वो हमारे चैनल में होगा, और जो BTS बिहाइंड द सीन वो सुफियान के चैनल में होगा। तो इसके लिए आपको सुफियान का भी चैनल सब्सक्राइब करना है और हमारा भी। जो मेरा YouTube का जो नाम है फजलुर रहमान, अगर सर्च करते हैं तो वो शो नहीं होता है। ऐसा मेरे को भी 2-3 बार बोले हैं कि भाई अगर आपका नाम हम लोग YouTube में सर्च करते हैं तो आपका प्रोफाइल शो नहीं हो रहा है, तो ऐसा ही हो रहा है। अब मेरे को भी नहीं पता क्यों हो रहा है, अब इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो इसका सॉल्यूशन ये है, जो फजलुर रहमान उसके साथ में अगर आप बरम बर्दा मारते हो तो ज़रूर शो करता है। ऐसा मैंने भी चेक किया है बहुत मरतबा, जब मैं फजलुर रहमान सर्च मारता हूँ तो सही तरीके से दिखाता नहीं है। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप बरम बर्दा साथ में सर्च करते हो तो ज़रूर शो होगा। और एक चीज़ बताइए, आपका रोज़ा कैसा चल रहा है, तो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि हाँ पता भी चले कि हमारा वीडियो यहाँ से देखते हैं, कमेंट करना ज़रूर, और हमें पता भी चले कि हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो यहाँ से वीडियो देखते हैं। यूट्यूब में सब्सक्राइबर हैं वो अब बढ़ने की जगह घट रहे हैं। अब इसका भी शायद वही रीज़न हो सकता है कि हम लोग जो रेगुलर अपडेट नहीं दे रहे हैं, ये रीज़न हो सकता है सबसे बड़ा रीज़न, क्योंकि हम लोग इतने दिन से ही अपडेट एक भी नहीं अपडेट हम लोग दिए हैं। जो हम लोग रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखने के लिए बेसिकली हमको उठना पड़ता है रात में, हम लोग उठते हैं रात में, और हम लोग का जो सहरी उसको बोलते हैं, जो रोज़ा रखने से पहले जो खाना खाते हैं तो उसको हम लोग सहरी बोलते हैं। तो उसका कुछ टाइमिंग ये है। और आप लोग ज़रूर बताएं कि आपके वहाँ क्या टाइमिंग है सहरी का, और रोज़ा का भी क्या टाइमिंग है, जो रोज़ा खोलते हैं उसका टाइमिंग क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ पे रोज़ा खोलते हैं 6:10 में शायद अज़ान होता है। तो काजू भी गिर गया इसके अंदर में, वाह वाह वाह, मस्त उबाल मारते हुए, वाह केसर। अब पूरा कंप्लीट,
आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप घरों में रहें, स्वस्थ रहें। खुदा हाफिज़।